Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. How are you students? I hope you'll be fine. Your syllabus Oxford Primary Mathematics textbook 5 है. चैप्टर नंबर 12 हमारे पास एंगल्स है. पेज नंबर 245 के ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो एंगल्स एट अ पॉइंट से रिलेटेड हैं. इसके अंदर होता क्या है कि एक एंगल आपके पास गिवन होता है जिसमें से आपके पास एक अंदर एंगल बन रहा होता है और एक उसके बाहर एंगल बन रहा होता है. तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं एंगल एट अ पॉइंट. कि एक पॉइंट के ऊपर जो पूरा एंगल कंप्लीट होता है ये हमेशा 360 डिग्रीज के बराबर होता है. अब आपने इसको दो में स्प्लिट कर दिया तो अगर एक एंगल आपको गिवन है जैसा कि यहां पर हमारे पास ये एक एंगल है, ठीक है, इसको हमने दो में स्प्लिट कर दिया. बाहर वाला जो एंगल है वो हमें पता है 230 डिग्रीज है. तो एंगल एक्स कितना होगा? वेरी सिंपल, हमने 360 डिग्रीज में से 230 को माइनस कर देना है और हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास एंगल एक्स के बराबर हो जाएगा, दैट इज 130 डिग्रीज. तो देखा कितना सिंपल है स्टूडेंट्स ये एंगल एट अ पॉइंट. कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना होता है कि जिस पॉइंट के ऊपर आपके पास दो या तीन एंगल्स बन रहे हैं तो आपने सारे एंगल्स को प्लस करके जो आपके पास सम आता है वो 360 डिग्रीज होता है. इसलिए आपने 360 डिग्रीज में से गिवन एंगल्स को माइनस कर देना होता है तो जो आपके पास रिक्वायर्ड एंगल है वो आपको खुद ब खुद पता चल जाता है, ठीक है. उसके बाद यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसमें हमसे कह रहे हैं ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है एंड ऑल द एंगल्स मीट एट अ पॉइंट. और ये सारे एंगल्स जितने बन रहे हैं अंदर ये सब एक पॉइंट के ऊपर मीट हो रहे हैं, यानी इस पॉइंट के ऊपर ये सारे एंगल्स आकर मिल रहे हैं. तो अब आप जो है वो एंगल वाई को फाइंड आउट कर दीजिए, यानी ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट करना है. अब हमने देखना यह है कि एंगल वाई फाइंड आउट करने के लिए क्या जितने एंगल्स बाकी बन रहे हैं इस पॉइंट पर वो गिवन है हमें, तो हम क्या करेंगे इन सब को हम प्लस कर देंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो बाकी बचा हुआ एंगल वाई हमें पता चल जाएगा. तो हमने क्या किया 140, 40 और 45 तीनों को प्लस किया, हमारे पास आंसर आ गया 360 डिग्रीज, ठीक है. सॉरी ये हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 140 प्लस 40 180 और 180 के अंदर जब हम 40 प्लस करते हैं तो ये 225 हमारे पास आंसर आता है, यानी तीनों मिलकर हमारे पास 225 बन रहे हैं. अब हमने क्या करना है 360 डिग्रीज में से 225 को माइनस कर देना है. तो यहाँ पर हम इसको माइनस करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है. 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 2 हमारे पास 3 आया और यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस 2 1 आ गया. तो ये बन गया हमारे पास 135 डिग्रीज. इसका मतलब है कि ये जो एंगल हमारे पास है 135 डिग्रीज है. तो कितना सिंपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट के ऊपर दो एंगल्स बन रहे हो, तीन बन रहे हो, चार बन रहे हो या बहुत सारे बन रहे हो, आपने सिंपली यही करना है कि सारे एंगल्स को प्लस करना है और जो आखिर में एंगल बच जाता है उसको 360 में से माइनस कर दोगे सबके सम को तो आपको पता चल जाएगा. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपसे कह रहे हैं फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल्स इन ईच फिगर. अब यहां पर आपके पास दो फिगर्स हैं और आपसे कह रहे हैं कि आप जो अननोन एंगल है ना उसको बता दीजिए कितना होगा. अब ये भी एंगल एट अ पॉइंट है, एक एंगल गिवन है, दूसरा एंगल डब्ल्यू हमसे पूछा है. हम क्या करेंगे 360 में से इसको माइनस कर देंगे 65 को, तो हमारे पास यहां पर आंसर जो बचेगा वो क्या आएगा 295 डिग्रीज, यानी एंगल डब्ल्यू हमारे पास 295 डिग्रीज का है. इसी तरह से पार्ट बी में देखिए, अब तीन एंगल्स बन रहे हैं. अब इसके अंदर से हमने देखना है कि एंगल एक्स के अलावा बाकी सब गिवन है या नहीं. तो ये तो 150 डिग्रीज हो गया हमारे पास और ये हमारे पास कितना है, तो ये देखिए यहां पर ये डिनोट कर रहा है कि ये 90 डिग्रीज है. ये डब्बा हम बनाते ही 90 डिग्रीज के लिए है. इसका मतलब है ये दोनों एंगल्स हमें पता चल गए, हमने बस क्या करना है दोनों को प्लस करके 360 में से माइनस करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ये कितना एंगल है. तो 360 में से हम पहले 150 को माइनस करते हैं, हमारे पास बचेगा 210. 210 में से हम दोबारा से 90 डिग्रीज को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 120 डिग्रीज. और आप देख भी लीजिए 150 प्लस 90 आपके पास होता है 240 और 240 को जब आप 360 में से माइनस करते हैं तो आपके पास 120 डिग्रीज बचता है, ठीक है. अब हम कुछ क्वेश्चंस पेज नंबर 246 पर भी कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास अब चार एंगल्स आ गए, ठीक है, एंगल्स बढ़ते चले जा रहे हैं. तीन एंगल्स हमें गिवन है, चौथा एंगल हमने फाइंड आउट करना है. तो हमने क्या करना है, इन तीनों को प्लस कर लेना है और 360 में से इसको माइनस करना है, ठीक है. तो 360 में से पहले 110 को माइनस करते हैं, फिर 80 को माइनस करते हैं और फिर मजीद 70 को माइनस करते हैं, या फिर 110 के अंदर 80 को प्लस करें 190 और 190 के अंदर 70 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 260. 260 को जब 360 से माइनस करेंगे तो आंसर बच जाएगा 100 डिग्रीज. इसका मतलब ये एंगल हमारे पास 100 डिग्रीज का है, ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद बारी आती है हमारे पास
पार्ट डी की, इसके अंदर भी हमारे पास तीन एंगल्स स्टूडेंट्स जो है वो गिवन है और चौथा एंगल हमने निकालना है। तो हमने क्या करना है, 360 डिग्रीज में से जो एंगल्स गिवन है उसको माइनस कर देना है। 75 को माइनस करेंगे, दूसरी तरफ 80 को माइनस करेंगे, और ये डब्बा है तो ये कितना है, ये 90 डिग्रीज है, तो इसको भी हमने माइनस करना है। अब हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 115 डिग्रीज। इसका मतलब है कि ये जो एंगल हमारे पास जेड है, ये हमारे पास 115 डिग्रीज का है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपसे कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, लुक एट द फोर एंगल्स, कैन वी फॉर्म एंगल्स एट अ पॉइंट यूजिंग दीज फोर एंगल्स ओनली, कि क्या हम इन चार एंगल्स की मदद से हम जो है वो एंगल्स एट अ पॉइंट बना सकते हैं या नहीं, तो हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो एंगल्स एट अ पॉइंट बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमें देखना पड़ेगा कि हमने करना क्या होता है। हमें ऐसे एंगल्स चाहिए होते हैं जिसका सम हमेशा 360 डिग्रीज होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन चारों को प्लस करके देख लेंगे कि क्या इन चारों को प्लस करके हमारे पास 360 डिग्रीज आ रहा है या नहीं। तो 56 प्लस 95 प्लस 64 प्लस 115 जब हम करते हैं चारों को प्लस, तो हमारे पास आंसर आता है 330 डिग्रीज। इस वजह से हम यहाँ पर कहेंगे कि नो, वी कांट फॉर्म एंगल्स एट अ पॉइंट यूजिंग दीज फोर एंगल्स ओनली, बिकॉज द सम ऑफ दीज एंगल्स इक्वल टू 330 डिग्रीज एंड नॉट 360 डिग्रीज। ठीक है, इन चारों को प्लस करने से 360 डिग्रीज बन रहा होता तो हम कहते जी हाँ, सिर्फ इन चारों को मिलाकर हम जो है एंगल्स एट अ पॉइंट बना लेंगे। और अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट्स, तो आपको नजर आएगा कि अगर हम इसके साथ ये वाला एंगल वो लगाते हैं तो हमारे पास ये एंगल कुछ इस तरह से लग जाएगा आकर। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास ये एंगल कुछ इस तरह से आ रहा है, जब हम इसके साथ ये वाला एंगल लगाएंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, और उसके बाद जब ये वाला एंगल हम अटैच करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये हमारे पास इतनी जगह फिर भी बच जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये हम एंगल्स एट अ पॉइंट नहीं बना पाएंगे। हाँ, अगर इन सब का सम मिलकर 360 डिग्री बन जाता तो हम इसको एंगल्स एट अ पॉइंट आराम से बना लेते। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। और वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। प्लीज वीडियो को लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें अगर आप चैनल पर नए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।